साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न राम सदस्य राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभित, नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, भेदभाव नहीं। श्री राम का निर्देश है, कच्चित ते दयति है सर्वे है कृषि गोरक्ष जीविना, किसान पशुपालक सभी हमेशा खुश रहे। श्री राम का आदेश है, कश्चित वृद्धांच बालांच वैद्यान मुखान राघव त्रिभी ऐते बुभूषसे, बुजुर्गों की बच्चों की चिकित्सकों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। ये कोरोना ने हमको बराबर सिखा दिया है। श्री राम का आह्वान है, जो सभित आवा सरनाई रखी हूं ताही प्राण की नाई, जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। श्री राम जी का ही यह संदेश है, श्री राम जी का भी कमिटमेंट है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है। और वो क्या है, भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। राम का जीवन उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है। साथियों, स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुआहरी बोले वचन बिनित बिचारी, अर्थात राम समय स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं करते भी हैं। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। साथियों, प्रभु श्री राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है, अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं इसकी सीख दी है। उन्होंने हमें विरोध से निकलकर बोध और शोध का मार्ग दिखाया है। हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के जोड़ से राम मंदिर की इन शिलाओं को जोड़ना है। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है विकास हुआ है, जब जब हम भटके हैं विनाश के रास्ते खुले हैं।
हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है, हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है।